व्हाट इज ईबीएसबी कैंप, कब आते हैं, इसमें क्या होता है एंड आपको कैसे पता चलेगा कि ईबीएसबी कैंप आया है। एंड साथ ही साथ बिना टीएससी कैंप और आरडीसी कैंप के भी आप न्यू दिल्ली जा सकते हो, बट कैसे वो इस वीडियो में। टीएसबी एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, ये कैंप 17 डायरेक्टरेट इंडिया में एनसीसी के जितने भी डायरेक्टरेट होते हैं सब में लगता है। इसमें सारे डायरेक्टरेट के कैडेट एक जगह मिलते हैं, जहाँ पर वे अपने स्टेट, अपने डायरेक्टरेट के कल्चर, ट्रेडिशन, उनके खान पान को लाइक दिखाते हैं, जिससे दूसरे डायरेक्टरेट के कैडेट को किसी अनदर डायरेक्टरेट की कल्चर, ट्रेडिशन को जानने का मौका मिलता। एंड कैडेट्स को डाउट रहता, ये कैंप क्या इसमें ड्रिल होता है या और कुछ करना होता, नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक कल्चरल बेस्ड प्रोग्राम है। ओके, कल्चरल कैंप है, इसमें टोटली कल्चरल के काम होते हैं। इसमें लाइक आपको अपने स्टेट के नेशनल डांस, अपने स्टेट के कल्चर को परफॉर्म करना होता है। एंड ये मैक्सिमम 10 दिन का लगता है। जब ईवीएसबी कैंप कोई दो डायरेक्टरेट, लेट्स टेक एग्जांपल, एक डायरेक्टरेट नॉर्थ में यूपी हो गया एंड साउथ में ले लेते हैं आंध्र प्रदेश, जब ईबीएसबी कैंप इन दो डायरेक्टरेट के बीच में होता है, सो इसमें से एक डायरेक्टरेट होस्ट का रोल प्ले करता और दूसरा डायरेक्टरेट गेस्ट बनता। जैसे क्रिकेट में होता, एक कंट्री होस्ट होता है, दूसरा गेस्ट बनते हैं। तो इसी तरह सपोज यूपी डायरेक्टरेट होस्ट का प्ले कर रहे हैं, मतलब वो मेजबानी करें, वो दूसरे डायरेक्टरेट को अपने डायरेक्टरेट में बुला रहे हैं। सो यूपी डायरेक्टरेट आंध्र प्रदेश डायरेक्टरेट को अपने लाइक यूपी में बुलाते हैं, वहाँ पर दोनों डायरेक्टरेट के कैडेट मिलते हैं। इसके लाइक टोटल 500 कैडेट होते हैं, जिसमें से 400 यूपी के हुए, तो लाइक 100 एंड 100 कैडेट होंगे आंध्र प्रदेश के, जहाँ पर वो सारे कैडेट मिल के अपने स्टेट, अपने डायरेक्टरेट के कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, खान पान को एक दूसरे के साथ लाइक दिखाते हैं। तो इनमें कैडेट में लीडरशिप, एक दूसरे को जानते हैं एंड ज़्यादा घुल मिलते हैं, इसमें यूनिटी बढ़ता है। सो टोटली इस कैंप का उद्देश्य होता है यूनिटी को प्रमोट करना अमॉन्ग द इंडिया एंड इंडियाज कैडेट। ओके, एंड साथ ही साथ इसमें लाइक आपको यूपी के मॉन्यूमेंट, अगर हो जहाँ पर हो वहाँ के फेमस मॉन्यूमेंट सबको दिखाने भी ले जाया जाता है। सो इसका बहुत ही एडवांटेज है। एंड इस कैंप का आपको एडवांटेज भी मिलता है, आपके बी एंड सी सर्टिफिकेट में आपको 25 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप ये कैंप करते हो। व्हाट इज आईडीसी कैंप? आईडीसी कैंप, इंडिपेंडेंस डे कैंप, ये कैंप क्या होता है, ये कब आता है? जैसा कि नाम से इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस के टाइम आता है एंड इसका सिलेक्शन थ्रू ईबीएसबी कैंप के थ्रू होता है। एक ईबीएसबी कैंप आपके जुलाई के लास्ट में आता है। ओके, जुलाई के लास्ट तरफ, लास्ट मंथ पे आएगा आपके लाइक यूनिट पे, जहाँ पर आपको डायरेक्ट आपके ग्रुप से डायरेक्ट आपको न्यू दिल्ली भेजा जाएगा ईबीएसबी के थ्रू आईडीसी कैंप करने 15 अगस्त में। ये कैंप 10 डेज का होता है, मैक्सिमम 10 से 12 डेज का होता है, जिसमें कैडेट न्यू दिल्ली पे मिलते हैं, वो रेड फोर्ट में बैठते हैं एंड लाइक दे परफॉर्म देयर कल्चर। सो इसमें यही कैंप है जिसपे आप बिना टीएससी, बिना आरडीसी, बिना ड्रिल के भी आप न्यू दिल्ली जा सकते हो थ्रू आईडीसी कैंप। ओके, और इस कैंप के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, कैसे? सो आपको पता चलेगा थ्रू अपने यूनिट। सबसे पहले जब भी कैंप आता वो आपके डायरेक्टरेट में आता, डायरेक्टरेट उसको फर्दर आपके ग्रुप में भेजते हैं, ग्रुप ग्रुप आपके यूनिट को भेजते हैं। तो इस तरह से आपके यूनिट में जितने सीट आते हैं उस तरह से कैडेट का सिलेक्शन होता है। ओके, आई होप इस वीडियो से आपको ईबीएसबी कैंप और आईडीसी कैंप के बारे में पता चल गया होगा कि कब आते हैं। ये मैक्सिमम जुलाई के एंड तरफ आते हैं, ताकि जुलाई में 10 दिन का कैंप करके उन्हें न्यू दिल्ली भेजा जाए। ओके, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, ताकि आप भी रेडी रहें और लाइक यू कैन गो टू न्यू दिल्ली।